नमस्कार, मैं नन्ही हूँ। नमस्कार, मैं वंदे हूँ। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जम्मू कश्मीर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में। सारे नए निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ आ गए हैं ना? आप सबका यहाँ आना और हमसे मिलना बहुत आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि आप पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हाँ हाँ वंदे, हमारे प्रतिनिधि पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जिस तरह से हम अपने प्रतिनिधियों से मिलने के लिए व्याकुल थे, उसी तरह से वे भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? आप इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे ना? हाँ, कर ही रहे होंगे नन्ही। आखिरकार इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से तो वो अपनी भूमिकाओं, दायित्वों, अधिकारों और कार्यों आदि के बारे में जान पाएंगे। सिर्फ जानकारी ही नहीं, यहाँ से हमारे प्रतिनिधि बहुत कुछ सीख कर भी जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली के प्रमुख पहलुओं से आप सभी को परिचित करवाया जाए। आप समझ रहे हैं ना, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दे कि आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए जाएंगे। हम आपकी एक एक बात सुनेंगे। आप भी हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ, लेकिन आप सब भी नन्ही और वंदे से ये वायदा कीजिए कि हमारी बात सुनेंगे, हमसे प्रश्न करेंगे, ग्राम की सेवा करेंगे, परेशानियों को हल करेंगे। इससे पहले कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में हम विस्तार से बताएं, नन्ही और वंदे की तरफ से जम्मू कश्मीर के पंचायती राज चुनावों में चुनकर आए हुए प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले एक बार जोर से ताली अपने लिए बजा दीजिए। जनता ने आप सभी प्रतिनिधियों को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है। ऐसे में आप सभी पंचायत सदस्यों को अपनी क्षमताओं, उत्तरदायित्व, कार्यकारी व न्यायिक शक्तियों के बारे में जानना आवश्यक है। गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गांवों के विकास के तरीकों पर विचार करना जरूरी है। वो कहते हैं कि गांवों के प्रति हमारा दृष्टिकोण गौरव और सम्मान का होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी भी यही चाहते हैं कि प्रदेश के सभी गांव विकास के शिखर को छुए। ग्रामों का विकास तभी हो सकता है जब आप इस बुनियादी प्रशिक्षण का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। आपका समय कीमती है, इसलिए बिना किसी देरी के चलिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों से आपको अवगत करा देते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रतिभागियों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कामकाज की जानकारी देना। वित्त व खातों, न्यायिक कार्यों और सिविल कार्यों के प्रबंधन के मूल मुद्दों की जानकारी देना। राज्य व केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के प्रति जागरूक करना। सामुदायिक नेतृत्व, प्रभावी संचार व समुदाय से निपटने की विशेषताओं को समझाना। सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। सूचना का अधिकार अधिनियम व सामाजिक अंकेक्षण के मुख्य प्रावधानों के प्रति जागरूक करना। इसके अलावा ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी भी यहां दी जाएगी, जैसे कृषि से संबंधित कार्य,
ग्राम्य विकास से संबंधित कार्य, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े कार्य, युवा कल्याण से संबंधित कार्य, नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े कार्य, महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्य, पशुपालन से जुड़े कार्य, सभी तरह की पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण करने का कार्य, छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण करने का कार्य, राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण, पंचायती राज संबंधित ग्राम्य स्तरीय कार्य आदि, पंचायतों में गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार किस तरह के कदम उठा रही है उसके बारे में भी इस प्रशिक्षण सत्र में विस्तार से बताया जाएगा। हाँ, इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप कृपया करके मोबाइल बाहर काउंटर पर जमा करवा दें और आराम पूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होना चाहिए। सुंदर सवेरा और सुनहरा शाम होगा, आपके प्रयासों से भारत महान होगा, धरती हमारी, हमारे खेत खलिहान, हमारी श्रम से गांव होंगे बलवान। चलिए अब हम चलते हैं, लेकिन बीच बीच में हम आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, नन्ही और वंदे आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपसे मिलते रहेंगे। आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल हो और यहाँ से जाकर आप अपने अपने क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास करें, ऐसी हमारी कामना है। गांव की माटी कमल खिलाएगी, आज की मेहनत कल रंग लाएगी। धन्यवाद।